रांची जिले के राहे अंचलाधिकारी छोटा नूराव को कुचलने की कोशिश करने वाला हुआ गिरफ्तार। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देकर बताया कि आरोपी जसवंत कुमार को राहे स्थित सीसी टाण मोड़ स्थित गंगा होटल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जसवंत कुमार सहित हाईवा चालक और एक सहयोगी के खिलाफ राहे ओपी में 2 फरवरी को राहे सीओ महेंद्र छोटन उराव ने मामला दर्ज किया था। आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर कहा कि उस रात हम डर गए थे और चालक को गाड़ी भगाकर छुपाने को कहा था और हम वहां से भाग गए थे। पुलिस ने डीएसपी अजय कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर रमेश कुमार, ओपी प्रभारी रामरेखा पासवान, विगेश कुमार राय, रामपुकार बैठा राज कपूर के साथ पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस संख्या 06/2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोना न्यूज रांची से राज रोहित की रिपोर्ट। अवैध बालू का ढुलाई काफी तेजी से चल रही है। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में लोकल अंचलाधिकारी वहाँ राय के निकले हुए थे। उस क्रम में जब वो एक ट्रक को रोके, हाईवा गाड़ी को, तो वो रुका तो सही था, लेकिन उसके पीछे पीछे उस गाड़ी का ऑनर मालिक भी वहाँ पहुँच गया। कागजात वगैरह दिखाने का कोशिश किए, मांगे, लेकिन वो कागजात नहीं दिखाए और बोला कि इनको कुचलते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा। बहुत मुश्किल से इनके गाड़ी में डैश भी कर दिया, बहुत मुश्किल से ही अपना जान बचाया और घर में आकर लोकल थाना का सहयोग लिए, चेंज किया गया, लेकिन फिर कहीं ले जाकर गाड़ी को छिपा दिया। दोनों भागने में सफल हुए। इस संदर्भ का केस 1 तारीख को इसी फरवरी महीना में दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी और राहे और SDPO गुंडू के सहायता से उसके मालिक को अभी तत्काल गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मालिक छोटी वाहन से वहाँ आया था। यशवंत कुमार मातो शताब्दी का रहने वाला है और गिरफ्तार किया गया है। और हाईवा गाड़ी भी अवैध बालू लदा हुआ गाड़ी बरामद किया गया है जंगल से, जहाँ ये लोग छिपा के भागे थे। इनके निशानदेही के आधार पर और अभी हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कर रहे हैं। ड्राइवर भी आइडेंटिफाई हो गया है, लेकिन चूंकि अभी घर में नहीं है, तो वो लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर ये टीम उनको गिरफ्तार करने में अवश्य करेगी। इस ढंग का पहला वारदात नहीं है, वारदात तो ये ऑफिसर के साथ उलझ जाने वाला वारदात ये हमको पहली बार देखने को अभी तक मिला है। वैसे कई इलीगल बालू ढुलाई वाला, चाहे मिट्टी वाला, ये सब तो कई बार पकड़ा गया है। केसेस भी हुए, फाइन भी हुआ है, माइनिंग के द्वारा भी हुआ, जनरेशन भी हुआ, अभी भी हो रहा है, लेकिन इसके मालिक और ड्राइवर हम कह सकते हैं इस गाड़ी के तो मनगढ़ू टाइप के लोग हैं। इसलिए इनके विरुद्ध हमें अंचलाधिकारी महोदय के लिखित आवेदन के आधार पर ये कांड दर्ज हुआ और तत्क्षण कार्रवाई की।